नमस्कार बाबरी, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को बड़े नेताओं ने दिया अंतिम दर्शन। बीते दिन केंद्रीय मंत्री ने 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसकी जानकारी खुद उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके दी थी। वहीं उनके गुजर जाने के बाद सभी वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। 12 जनपद पर रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां पर सभी नेता भी उनसे मिलने लगातार पहुंच रहे थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान चिराग पासवान और उनके परिवार वालों से भी मुलाकात की। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि जेपी नड्डा ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही गिरिराज सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई अन्य दिग्गज भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे थे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से होगी शुरू। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब दूसरे चरण के 94 सीटों पर आयोजित होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण के तहत 8 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया करवाई गई थी। वहीं दूसरी तरफ अब 94 सीटों पर नामांकन की शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए सभी दल अब अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जल्द से जल्द करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दूसरे चरण का नामांकन 16 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वहीं 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छटनी की जाएगी। इसके साथ ही 19 अक्टूबर को नाम वापस लेने की तारीख निर्धारित की गई है, जिसके बाद 3 नवंबर को मतदान करवाया जाएगा। ज्ञात हो, विधानसभा चुनाव का आयोजन इस बार 3 चरणों में करवाया जाएगा, जिसके तहत पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान करवाया जाना है, वहीं दूसरे चरण में 94 सीटों पर। इसके साथ ही तीसरे चरण में 78 सीटों पर चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा। रामविलास पासवान के गुजर जाने पर राजकीय शोक की हुई घोषणा। देश के प्रमुख दलित नेता की गिनती में गिने जाने वाले रामविलास पासवान ने 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। वहीं अब उनके गुजर जाने के बाद उनके सम्मान में राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इतना आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उनके गुजर जाने की सूचना उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि पापा, अब आप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ हो और रहोगे, आप जहां भी हो। मिस यू पापा। ज्ञात हो, लोजपा के संस्थापक और उपभोक्ता मामले के मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्री रामविलास पासवान बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज कई हफ्तों से दिल्ली के एक अस्पताल में करवाया जा रहा था। अर्धसैनिक बलों की 300 कंपनियां जल्द आ सकती हैं बिहार। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए साथ ही चुनाव का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए अर्धसैनिक बलों की 300 कंपनियां जल्द ही बिहार आ सकती हैं। चुनाव के आयोजन से पहले जारी राजनीतिक कार्यक्रम की देखरेख के लिए इन्हें जल्द ही विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा, जिसके बाद जल्द ही इनके बिहार पहुंचने की संभावना देखी जा रही है। चुनाव की घोषणा से बिहार में एरिया डोमिनेशन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अर्धसैनिक बलों की 300 कंपनियां मुहैया करवाई गई हैं। इनमें से 255 कंपनियां दूसरे प्रदेश से आई हैं, जबकि 45 पहले ही बिहार में मौजूद है। इसके साथ ही 300 और कंपनियां बिहार में अब आने वाली हैं। हालांकि ये कंपनियां कब तक बिहार पहुंचेंगी, इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। हफ्ते भर में इनके बिहार पहुंचने की संभावना बनती देखी जा रही है। भाई वीरेंद्र के खिलाफ पार्टी के नेताओं ने ही शुरू किया विरोध। राजद के साथ शामिल राजनीतिक दलों के बगावत के बाद अब राजद के अंदर ही बगावत की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। तेजस्वी यादव के फैसले के बाद राजद कार्यकर्ता के बीच में भारी गुस्सा देखने को मिलने लगा है। मिली जानकारी के अनुसार राजद नेता भाई वीरेंद्र को लेकर पार्टी के अंदर ही गोलबंदी की शुरुआत हो गई है। भाई वीरेंद्र को राजद ने मनेर से विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया था। पार्टी के नेता ही अब विरोध में खड़े होने लगे हैं। मनेर विधानसभा सीट से राजद विधायक भाई वीरेंद्र को पार्टी की तरफ से जैसे ही टिकट देने का ऐलान किया गया, वैसे ही राजद कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। राजद कार्यकर्ताओं का कहना है कि मनेर की जनता बदलाव चाहती है। आगामी 12 अक्टूबर को मनेर और भेटा के राजद कार्यकर्ता एवं पार्टी से जुड़े लोगों की बैठक भी बुलाई गई है। बिहार समेत विभिन्न राज्यों में सभा करवाने की मिली छूट। बिहार समेत अन्य राज्यों में कोरोना के माहौल के बीच चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनावी माहौल में जनसभाओं का आयोजन करवाने की छूट दे दी गई है। हालांकि सिर्फ 100 लोगों को शामिल करने की छूट दी गई है। यह भी साफ कर दिया गया है कि यह सभी छूट कंटेनमेंट जोन के बाहर दी जाएगी, जिसके बाद राज्य सरकार ने 5 अक्टूबर से पहले ही सभा के आयोजन की छूट दे दी थी। यह छूट उन विधानसभा क्षेत्रों में दी गई है जहां चुनाव का आयोजन होने वाले हैं। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस बाबत SOP जारी करने का निर्देश भी दे दिया है। गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को कोरोना से बचाव के लिए रीओपनिंग के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए थे। टिकट कटने से नाराज भाजपा विधायक ने अन्न का किया त्याग। चुनाव आते ही टिकट देने वालों की लंबी कतार लग जाती है। वहीं सभी नेताओं को खुश करना भी पार्टी के लिए असंभव हो जाता है और यही कारण है कि टिकट नहीं मिलने के कारण कई विधायक भी नाराज हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ भाजपा में भी देखने को मिल रहा है। टिकट नहीं मिलने के कारण कई विधायकों की नाराजगी अब साफ दिखने लगी है। अमनौर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा ने टिकट नहीं मिलने पर अपनी नाराजगी जताई है। हालांकि अब उनके इस अनोखी नाराजगी पर चर्चाएं शुरू हो गई।
है। साझा की गई जानकारी के अनुसार टिकट नहीं मिलने के कारण नाखुश चोकर बाबा ने आजीवन समय के लिए अन्न का त्याग कर दिया है और सिर्फ फलहार पर रहने की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा नेताओं के खिलाफ बयानबाजी भी शुरू कर दी है। 12 अक्टूबर को बिहार में फिर से बढ़ रहे हैं बारिश के आसार। मौसम का मिजाज बिहार में एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार 15 अक्टूबर तक बिहार में मॉनसून रहने वाला है। इतना ही नहीं, बिहार के कई जिलों में आज भी अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनता देखा गया है, मगर ओडिशा तट पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता देखा जा रहा है। दक्षिण बिहार में भी एक टर्फ लाइन बनती देखी जा रही है। इस वजह से पटना समेत दक्षिण बिहार के जिलों में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश तो कहीं गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिण बिहार में मॉनसूनी हवा चल रही है, वहीं एक सिस्टम अंडमान और निकोबार में भी डेवलप हो रहा है। लालू प्रसाद यादव को चाईबासा ट्रेजरी में मिली बड़ी राहत। चारा घोटाले मामले में सलाखों के पीछे बंद लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से राहत मिली है। मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव को चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के वकील ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को 2 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। लालू यादव 30 महीने से सलाखों के पीछे बंद रहे। इतना ही नहीं, कई मामलों में सुनवाई के बाद ही लालू प्रसाद यादव को अब बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। 9 नवंबर को इसकी सुनवाई पूरी होगी। उसी दिन दुमका मामले में सलाखों के पीछे रहने की आधी अवधि वो पूरी करेंगे। हालांकि लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सीबीआई के वकील ने विरोध किया था, लेकिन कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत दे दी गई है। आपको बता दें, लालू की जमानत याचिका में उन्होंने अपनी बीमारी का भी जिक्र किया था, जिसमें लगभग उन्होंने 15 बीमारियों के नाम भी बताए थे। वीआईपी को लगा बड़ा झटका। आगामी विधानसभा चुनाव में दल बदल की राजनीति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लगातार नेताओं और विधायकों का पाला बदल राजनीति देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में अब वीआईपी को भी बड़ा झटका लगा है। मिली जानकारी के अनुसार सहनी के पार्टी के दिग्गज नेता राजेश रमैया ने इस्तीफा दे दिया है। खबरों की माने तो रमैया सहनी के एनडीए में जाने से नाराज चल रहे थे। राजेश राम रमैया एससी एसटी प्रकोष्ठ के बड़े और कद्दावर नेता माने जाते हैं। वहीं इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपना आधिकारिक बयान भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि एनडीए के साथ हमारी विचारधारा का कोई मिलान नहीं होता है, इसी कारण से मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष विजेंद्र सहनी के बयान के अनुसार रमैया ने 2 महीने पहले ही पार्टी से जुड़ने का फैसला लिया था। वीडियो वैन पर उम्मीदवारों का नाम डालना हुआ अनिवार्य। बिहार विधानसभा चुनाव में कोरोना को ध्यान में रखते हुए स्टार प्रचारकों से ज्यादा वैन को ही घुमाया जाएगा। खासकर एनडीए के घटक दल भाजपा और जदयू वैन को पूरे बिहार में घुमाने वाले हैं। जदयू की तरफ से लगभग 120 वीडियो वैन को घुमाया जाएगा। वहीं भाजपा की तरफ से पूरे राज्य में वैन घुमाने को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि एनडीए में शामिल हुई वीआईपी ने भी राज्य भर में वीडियो वैन के लिए इजाजत ले ली है। हालांकि पार्टी ने अभी 4 वैन के लिए अनुमति ली है। वैन में एलईडी टीवी के साथ साथ स्पीकर भी जल्द ही लगवाए जाएंगे, जिनसे प्रचार अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें, कोरोना का माहौल देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। रामविलास पासवान के गुजर जाने पर बिहार के कई नेताओं ने जताया शोक। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद बिहार के कई नेताओं ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके गुजर जाने पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के बड़े हस्ताक्षर थे। उन्होंने आगे कहा कि रामविलास प्रखर वक्ता और कुशल प्रशासक भी थे। वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। उनके गुजर जाने के बाद सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने ही अपना दुख जताया था, क्योंकि रामविलास पासवान के साथ लालू यादव के लगभग 45 साल पुराने रिश्ते हैं, जिसके तहत लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि रामविलास भाई के असामयिक गुजर जाने का दुखद समाचार सुनकर अति दुखी हूं। पिछले 45 साल का अटूट रिश्ता है और उनके साथ तमाम राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां आज भी आंखों के सामने आ जाती हैं। रामविलास भाई, आप जल्दी चले गए, ओम शांति ओम। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज एक दूसरे के सामने होगी राजस्थान और दिल्ली की टीम। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से है, जहां दिल्ली की टीम को पिछले मैच में शानदार जीत हाथ लगी थी। वहीं दिल्ली को 59 रनों से जीत मिली थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की बात करें, इस टीम ने पिछले मैच में मुंबई से हार का सामना किया था। राजस्थान की टीम में केवल जोस बटलर ही किसी तरह मैदान पर टिके रहने में कामयाब हो पाए थे। बाकी टीम मुंबई के सामने घुटने टेकते देखी गई थी, जिसके बाद आज ये दोनों टीम जीत के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। जहां एक तरफ दिल्ली की टीम अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान में उतरेगी, वहीं राजस्थान रॉयल्स मैच में मिली हार से सबक सीखकर दिल्ली को हराने की कोशिश करते नजर आएगी। सना खान ने छोड़ी इंडस्ट्री। एक्ट्रेस सना खान ने ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके तहत उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक लंबा चौड़ा पोस्ट जारी किया था। सना ने बताया कि अब वो शोबिज यानी कि फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहने वाली है। जारी किए गए पोस्ट में सना ने लिखा कि भाइयों और बहनों, आज मैं अपनी जिंदगी के एक अहम मोड़ पर आपसे बात कर रही हूं। मैं सालों से शोबिज की जिंदगी गुजार रही हूं और इस अरसे में हर तरह की शोहरत, इज्जत और दौलत मुझे अपने चाहने वालों
सरकारों की तरफ से नसीब हुई है, जिसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब कुछ दिनों से मुझ पर ये एहसास कब्जा जमाए हुए हैं कि क्या इंसान के इस दुनिया में आने का मतलब सिर्फ ये है और वो केवल दौलत और शोहरत कमाए। क्या उसका ये फर्ज नहीं है कि वो अपनी जिंदगी उन लोगों की खिदमत में गुजार दे जो बेसहारा और बेआसरा है? क्या इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी जान किसी भी वक्त जा सकती है और जान जाने के बाद उसका क्या बनने वाला है? इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान करते हुए सना ने लिखा कि मैं आज अपने शोबिज की जिंदगी छोड़कर इंसानियत की खिदमत और अपने पैदा करने वालों के हुकुम पर चलने का पक्का इरादा करती हूँ। आखिर मैं तमाम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अब मुझे शोबिज के किसी काम के लिए दावत ना दे। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 70 लाख के पास। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 70,496 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 69,06,151 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 964 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 106,490 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कुल मिलाकर 8,46,34,680 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसमें सिर्फ बीते 24 घंटे की बात करें तो 11,68,705 सैंपल की जांच की गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के माने तो देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या प्रभावितों से ज्यादा दर्ज की जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार लालू प्रसाद यादव को चाईबासा मामले में झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।